और चलिए बढ़ते आगे, बात नीट पेपर लीक मामले की एक बार फिर से कर लेते हैं। संजीव मुखिया का नाम सामने आया और ये जो प्रमुख नाम बताया जा रहा है ये भी सामने आया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में ये कर्मचारी और कर्मचारी पद पर काम कर रहा था और इसने जाते जाते एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का लगाया था जो कि फर्जी बताया जा रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल फर्जी पर्चा लगाया गया है जो बिल्कुल माना भी नहीं गया। लेकिन इसका कनेक्शन अब यहां से क्यों निकल कर सामने आ रहा है, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, देखिए। साहिब, जो मैंने आपको ये पेपर दिखाया है और आपने ये जो मंगाया ये रिविजिट का, आपको ये क्या प्रतीत हो रहा है? इस नाम का रजिस्टर में एंट्री हम लोगों को नहीं मिला है। 6-5 के इसमें संजीव मुखिया का जो ओपीडी में रजिस्टर, ये नाम जिससे पर्ची कटा हुआ है इस नाम का रजिस्टर में, ओपीडी रजिस्टर में एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं, बस इसका मतलब ओपीडी में रजिस्टर नहीं है, मतलब कि ये जो पटना मेडिकल कॉलेज का ओपीडी का पर्ची है ये 5 रुपया दे के कटाया गया। जी, 5 रुपया दे के पर्ची कटाया हुआ है। लेकिन ये जो लिखावट डॉक्टर की नहीं है यहाँ की, अब लिखावट तो मैं पहचानता नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि इनकी लिखावट है, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं है। रजिस्टर में एंट्री नहीं है मतलब ये क्या फेक सर्टिफिकेट बना लिया उन्होंने? अब इस पे तो कहना मुश्किल है। रजिस्टर में एंट्री रहता तो हम लोग समझते कि एकदम सही है। अब रजिस्टर में एंट्री नहीं है, अब इस पे तो पता करना होगा किसने लिखा, नहीं लिखा, कैसे लिखा, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज अगर यहाँ लिखी गई है, कोई भी बात प्रिस्क्रिप्शन, तो रजिस्टर में एंट्री होती है उसकी। जनरली नॉर्मली तो यही होता है कि जब वो ओपीडी में दिखाने के लिए जाते हैं ये पर्ची कटाने के बाद, तो वहाँ पे एक रजिस्टर रहता है, ओपीडी रजिस्टर, उसमें रजिस्ट्री उनका नाम उसमें रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके बाद उनको पर्ची दी जाती है, लेकिन उस रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। दूसरा बात, आप बता रहे थे कि कोई मोहर लगता है ट्रीटिंग डॉक्टर का, यहाँ पे कहाँ पे लगता है? ऊपर में वो जो भी डॉक्टर का ड्यूटी रहती है उस दिन ओपीडी में, उनका नाम लिखा रहता है जनरली ऊपर में यहाँ पे स्टैंप या नाम भी कम से कम हाथ से भी लिखा रहता है कि किनका यूनिट है, कौन देखे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी, संसद में आज होगी धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा, 2 दिनों तक चलेगी चर्चा। दिल्ली के किशनगंज का कोड़िया अंडरपास में भी भारी बारिश की वजह से यात्रियों से भरी बस फंस गई, 2 घंटे से ज्यादा समय से अंडरपास में फंसी हुई है बस। अंडरपास में फंसी बस को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम मौके पर मौजूद है, बस को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उधर दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का आवास भी भारी बारिश की वजह से हुआ जलमग्न, रामगोपाल के सहयोगियों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठाया। तेज बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत ढहने से हादसा हुआ, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल हुए, घायलों का इलाज जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में कुछ गाड़ियां भी हुई क्षतिग्रस्त, 1 शख्स के अभी भी फंसे होने की खबर। आईजीआई एयरपोर्ट हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल का जायजा लिया, दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की। आईजीआई एयरपोर्ट हादसे पर उड्डयन मंत्री का बयान, कहा घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना पे मंत्रालय की नजर, मृतक के परिजनों को 20-20 लाख के मुआवजे का ऐलान। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी में गिरा ट्रक, ट्रक ड्राइवर लापता, ट्रक चालक की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर में बाढ़ से हाल हुआ बेहाल, बाढ़ के पानी में बहा ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत, भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद किया गया। दिल्ली के मिंटो रोड पर भारी बारिश के बाद भरा पानी, अंडरपास पर पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हो